जी नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत करता हूँ आज अपनी YouTube चैनल पे। आज हम लोग डिस्कस करेंगे कुछ मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस S2 की, जो कि एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इम्पॉर्टेंट है और आपके एग्ज़ाम में आने की बहुत संभावना बनती है कि इस तरीके के क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में आए। तो टोटल 5 यूनिट्स हमारे पास है और हम लोग 10 से 15 क्वेश्चंस को यहाँ सॉर्ट आउट करेंगे, शॉर्ट लिस्ट करेंगे 10 to 15 क्वेश्चंस, जो कि आपके एग्ज़ाम के लिए काफ़ी हेल्पफुल होंगे। और मेरी पर्सनली ये आपसे रिक्वेस्ट है कि आप एटलीस्ट ये जो मैं 10 to 15 क्वेश्चंस अभी शॉर्ट लिस्ट करूँगा उसको आप लोग एग्ज़ाम में ज़रूर से ज़रूर पढ़ के जाएँ। फ्रेंड्स, आपके एक मिनट के टाइम मैं लेना चाहूँगा। फ्रेंड्स, आप लोग का बहुत सारा प्यार मिला है, आप लोग का बहुत काफ़ी अच्छा रिस्पांस आया है हमारे चैनल पे, तो आपसे एक गुजारिश होगी कि आप लोग जहाँ कहीं से भी हमसे जुड़े हो, कोई पटना से जुड़ा है, कोई गया से जुड़ा है, कोई नालंदा से जुड़ा है, तो आप लोग प्लीज़ इस वीडियो में कि लास्ट में कमेंट करेंगे कि आप लोग कहाँ से हमसे जुड़े हैं। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं बिना वक्त गवाए। देखिए, पहला जो हमारा यूनिट है, यूनिट फर्स्ट, जो कि हमारा है बच्चों की संज्ञानात्मक एवं संप्रत्यय विकास, ठीक है, जिसमें हमारा कुछ क्वेश्चंस, पहला क्या है संज्ञानात्मक विकास की परिभाषा। और मैंने S2 की पूरी सिलेबस मैंने YouTube पे करा रखी, आप प्रॉपर प्लेलिस्ट भी बनी, आप जाके देख सकते हो। इस सारे क्वेश्चंस जो मैं यहाँ पे शॉर्टलिस्ट करूँगा वो मैक्सिमम क्वेश्चन आपके वहाँ पे मिल जाएंगे। नेक्स्ट हमारा है जो संज्ञानात्मक विकास, जिन्होंने दिया था महान मनोवैज्ञानिक जिनका नाम था जीन पियाजेट, तो ये जीन पियाजेट के संदर्भ में। जीन पियाजेट को आप लोग देख लेंगे, इसके संदर्भ में संज्ञानात्मक विकास को आप लोग जरूर देख के जाएंगे, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है। और जीन पियाजेट ने स्टेजेस में बांटे हैं संज्ञानात्मक विकास को, जो मैंने यूट्यूब पर ऑलरेडी पहले ही करा दिया है, मैं इस वीडियो में आपका टाइम नहीं लूंगा, ठीक है। नेक्स्ट यदि मैं बात करूं बुद्धि की अवधारणा, इसको आप लोग देखोगे, ये भी मैंने क्वेश्चंस करवाया है यूट्यूब पे, 3 क्वेश्चंस हो गए यहाँ से। और एक क्वेश्चंस मैं और यहाँ पे डिस्कस करूँगा, जो कि ब्रूनर की भी संज्ञानात्मक विकास के बारे में ब्रूनर ने भी बातचीत किया था। तो जीन पियाजेट और ब्रूनर इम्पॉर्टेंट बनते हैं 2 यूनिट 1 से, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं यूनिट सेकंड की। यूनिट 2 जो हमारा है वो हमारा है बाल विकास और सीखना। बाल विकास और सीखना में सबसे पहले हमारा टर्म आता है सीखना, डैट मीन्स अधिगम। तो हमारा एक अधिगम चैप्टर टॉपिक है, उसको आप लोग देख लोगे अधिगम क्या है और इसको प्रभावित करने वाले कारण, ठीक है, आप लोग इसको जरूर से जरूर देख के जाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट यदि मैं बात करूं यूनिट सेकंड में, तो आप एक छोटा सा टॉपिक आकलन को जरूर देख लेना, ये हमारी हुई यूनिट सेकंड। अधिगम का मतलब होता है सीखना, लर्निंग, ठीक है। तो ये हमारा हुई यूनिट सेकंड की बात। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं यूनिट थर्ड की, इसको मैं अभी इरेज कर रहा हूं। देखिए, यूनिट थर्ड हमारा है वो सीखने की व्यवहारवादी सिद्धांत के बारे में बातचीत करता है। व्यवहारवादी सिद्धांत का मतलब क्या होता है, बिहेवियरिस्टिक अप्रोच ऑफ लर्निंग। जब भी व्यवहारवादी सिद्धांत का बात होंगे तब यहाँ पे हमारे पास 2 मनोविज्ञानी का नाम आप लोग जरूर से जरूर याद रखिएगा, जिसमें हमारा आता है पहले इवान पेवलोव और दूसरा B.F. स्किनर, ठीक है। तो यहाँ पर आप लोग 2 मनोविज्ञानी का नाम है इवान पेवलोव पूरा नाम है इसका, और दूसरा हमारा आता है स्किनर, पूरा नाम इसका है B.F. स्किनर। ये 2 टॉपिक आप देख लोगे मैक्सिमम टाइम में। यूनिट थर्ड से जो व्यवहारवादी सिद्धांत है, बिहेवियरिस्टिक अप्रोच है, वो यहाँ से ही क्वेश्चन व्यवहारवादी सिद्धांत या फिर बिहेवियरिस्टिक अप्रोच यहीं से ज़्यादा क्वेश्चंस मोस्ट ऑफ द टाइम पूछे जाते हैं, ठीक है। बढ़ते हैं आगे, बात करते हैं यूनिट 4th में। यूनिट 4th हमारा जो है वो सामाजिक अधिगम है। क्या है सामाजिक अधिगम, डेट मीन्स सोशल लर्निंग। सोशल लर्निंग की जब भी बात है बस 2 मनोवैज्ञानिक का नाम याद करना है, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है। पहला हमारा है लेव वाइगोत्स्की और दूसरा हमारा है अल्बर्ट बैंडूरा, ठीक है। ऐसे लिखते हैं वाइगोत्स्की,
इंग्लिश में वाइगोत्स्की और बेंडुरा। बढ़ते हैं आगे, बात करते हैं यूनिट फिफ्थ की। यूनिट फिफ्थ में हमारा है सीखने के प्रभावित करने वाले कारक। तो जब भी सीखने की प्रभावित करने वाले कारक आएंगी तो इस पर दो तीन ही टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं मोस्ट ऑफ द टाइम, जिसमें एक टॉपिक आता है मोटिवेशन, मतलब अभिप्रेरणा। आप अगर किसी काम को करने के लिए मोटिवेटेड नहीं हो तो आप किसी काम को नहीं कर सकते हो। मान के चलो मुझे अभी पढ़ाई करने का मन नहीं है, तो कितना भी लोग एक्सटर्नल फोर्स लगा दे, मैं खुद से सेल्फ मोटिवेटेड नहीं हूँ तो मैं नहीं पढ़ूंगा, तो इससे क्या होगा, सीखना हमारा प्रभावित होगा। दूसरा क्या हो सकता है, अवधान की कमी, दैट मीन्स लेस अटेंशन। तो हमारा जो यूनिट फिफ्थ है इसमें हमारा सीखने के प्रभावित करने वाले कारक है, इसमें हमारा क्या हो सकता है, अभिप्रेरणा, इंग्लिश में मैं मोटिवेशन इसको बोलूं, मनोवैज्ञानिक ने तो ये कहा है कि मोटिवेशन इज द सुपर हाईवे ऑफ लर्निंग, मतलब सीखना जो है वो राज्य मार्ग है सीखने के लिए। नेक्स्ट यदि मैं बात करूं तो अवधान को आप लोग देख लेंगे एग्जाम में, ठीक है। दो ही क्वेश्चन रहने दो इस टॉपिक से, इस यूनिट से। तो ये हमारे कुछ क्वेश्चंस, 10 से 15 क्वेश्चन शॉर्टलिस्ट किए गए एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, जो काफ़ी इंपॉर्टेंट बनते हैं। तो फ्रेंड्स ये बताइए वीडियो का कैसा लगा, चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और थैंक यू और बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्ज़ाम। और कोई भी क्यूरी अगर हो तो आप हमें इस नंबर पे कॉल कर सकते हो, 9123114999 और 9835633336, ये कॉलिंग नंबर है और ये व्हाट्सएप है। ठीक है फ्रेंड्स, थैंक यू फ्रेंड्स।